साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शेयर मार्केट के बिचौलिए या जिसको शेयर मार्केट का दलाल भी कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला के प्रति अति प्रेम दिखाया था, उन्हीं राकेश झुनझुनवाला ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुरी तरीके से भद्द पीट दी है। मैंने पिछले अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि राकेश झुनझुनवाला के सामने हाथ जोड़ करके खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होती। वो फोटो जो भद्द पिटा रही थी सो अलग, अब राकेश झुनझुनवाला ने एक टेलीविजन के इंटरव्यू में जो शब्द बोल दिया प्रधानमंत्री के लिए, वो उनकी गरिमा को पूरी तरीके से तार तार करने वाला है, या यूं कहें कि वो इस बात की ओर इंगित करता है कि आखिर कारोबारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने घनिष्ठ संबंध क्यों हैं। राकेश झुनझुनवाला ने इस देश के प्रधानमंत्री की तुलना अपनी पत्नी और पत्नी से सुहागरात में होने वाली बातचीत से कर दी है। वीडियो देखिए। Why he invited you, we leave on the side. What did you tell the Prime Minister and what did he tell you? भाई सुहागरात में मेरी बीवी से क्या बात की तुझे बताने वाला। मैंने उस वीडियो में बताया था कि राकेश झुनझुनवाला के जीवन की उपलब्धि यह है कि बिना किसी को रोजगार दिए हुए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। इसलिए क्योंकि हजारों करोड़ रुपए कमाने वाला कोई उद्योगपति सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार भी देता है, लेकिन प्रधानमंत्री शायद उनसे ज्यादा इसलिए प्रभावित थे कि उन्होंने किसी को रोजगार दिए बिना हजारों करोड़ रुपए कमा लिए थे। उन्हीं राकेश झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भद्द पिटवा दी है। अब लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, उठने भी चाहिए, इसलिए क्योंकि सोच करके देखिएगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कोई और प्रधानमंत्री ऐसा आपको नजर आता है जिसके अपने कारोबारी मित्रों के कारण इतने ज्यादा सवाल उठे हों? क्या कोई और प्रधानमंत्री अडानी जैसे किसी अपने मित्र के किसी जेट में लगातार यात्रा करते हुए देखे गए? क्या किसी और प्रधानमंत्री ने आज तक, चूंकि ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं तो ऐतिहासिक काम यही करते हैं, किसी निजी कंपनी के एक सिम, यानी कि जियो ने जब अपनी सिम लॉन्च की थी तो उसके विज्ञापन में नजर आए थे? देश में पहला मौका है जबकि सरकार की दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी BSNL MTNL खुद बिकने के कगार पर हैं, मतलब वो घाटे में हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरे का प्रचार कर रहे थे। उसी तरीके से पेटीएम, जब नोटबंदी हुई तो एक शर्मा जी की कंपनी उभर करके आई पेटीएम, उसके विज्ञापन पर बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपे हुए नजर आए। देश के इतिहास में ये भी पहला मौका था जब प्रधानमंत्री किसी निजी कंपनी का विज्ञापन करते हुए नजर आए थे। इन चीजों को छोड़ दीजिए, मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये हैं देश के मशहूर हो चुके उद्योगपति, मशहूर 2014 से पहले भी थे लेकिन 2014 के बाद अचानक से इनकी संपत्ति में खूब इजाफा हुआ। कितना हुआ आंकड़े आपको बताऊंगा। ये है गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक। गौतम अडानी 2014 से पहले भी उद्योगपति थे, लेकिन क्या 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी या उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के साथ गौतम अडानी की इतनी आत्मीय तस्वीरें आपको कहीं दिखाई दी? फिर से मैं तस्वीर रिमाइंड कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, गूगल पर जाकर सर्च मार लीजिएगा, प्रधानमंत्री का नाम डाल लीजिएगा, गौतम अडानी का नाम डालिएगा और सर्च मारिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री के साथ गौतम अडानी की इतनी आत्मीयता की तस्वीरें थी। इनको छोड़ दीजिए, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के हाथ पकड़े हुए हैं, चलिए ये आत्मीयता समझ में आती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की पीठ पर एक उद्योगपति का हाथ, ऐसी कोई तस्वीर आप निकाल के दिखा दीजिए किसी अन्य प्रधानमंत्री के सामने, तो मैं मान लूंगा कि जो भी बात मैं कह रहा हूं उन शब्दों को वापस लेता हूं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी हैं, इनके साथ देखिए कितनी आत्मीयता के साथ तस्वीर है। ये अकेला मौका नहीं है, इससे पहले हालांकि ये तस्वीर कुछ पुरानी है लेकिन इसमें अडानी के प्लेन में बैठे हुए दिख रहे हैं बड़े ही रिलैक्स मूड में। उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे देश के, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री जरूर थे। कितने रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, क्या कारोबारी मित्रों के साथ किसी अन्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इस तरीके से तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो अब सवाल है
इन तस्वीरों का क्या मतलब? इन तस्वीरों का मतलब ये कि पार्टी विथ डिफरेंस, यानी कि ऐसी पार्टी जो अन्य से अलग है, इसका दावा करने वाली चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी की हकीकत यह है कि 2019-20 में इन्हीं कारोबारी मित्रों की बदौलत और इनको लाभ पहुंचाने की बदौलत ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक संस्था है, पार्टियां जो हलफनामा चुनाव आयोग को देती हैं उसके हिसाब से एक सर्वे करती है, उसके सर्वे के अनुसार साल 2019-20 में बीजेपी को कुल 785 करोड़ रुपए कॉरपोरेट फंडिंग यानी कि कॉरपोरेट द्वारा चंदा दिया गया। इसी समय में कांग्रेस को मिला 139 करोड़, यानी कि कांग्रेस से 5 गुना ज़्यादा मिला। साल 2018-19 में 698 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, कांग्रेस को मिले 122 करोड़ रुपए। साल 2016-17, 17-18 यानी कि 2 सालों में कुल कॉरपोरेट फंडिंग हुई पार्टियों को 985 करोड़, इसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में 915 करोड़। यह है पार्टी विथ डिफरेंस। और कांग्रेस को इस दौरान मिला 55.36 करोड़। तो स्वाभाविक है, जब कॉरपोरेट घरानों से चंदा ज़्यादा लिया जाएगा तो किसानों को साइड में रख करके उनके हित के ही बारे में, उनकी शान में कसीदे गाड़े जाएंगे, उनके लिए टाइम निकाला जाएगा, उनके साथ हंसी ठिठोली भी की जाएगी और उनके लिए लाभकारी योजनाएं भी लाई जाएंगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय में कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो सबसे पहले उन्होंने खुद इसका पालन किया, पीएम केयर्स नाम से एक निजी फंड बनाया। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि सरकार ने हलफनामा दायर करके दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि निजी फंड है, इसका पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता है, मतलब वो पीएम केयर्स फंड नहीं बल्कि मोदी जी का निजी फंड है। उनके कारोबारी मित्रों ने, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स ने उसमें पैसा डालना शुरू किया, करोड़ों अरबों खरबों रुपए उसमें देश के जनता के, देश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के डलवाए गए। दूसरा आपदा में अवसर उनके मित्रों ने खोज लिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स एक संस्था है, उसने बताया कि साल 2021 में जब देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय पूरे विश्व में गौतम अडानी वो शख्स थे जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। 16.2 अरब डॉलर की संपत्ति थी इनकी, जो बढ़ करके 50 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दुनिया में इनसे ज़्यादा मुनाफा किसी ने नहीं कमाया। अब बीजेपी और प्रधानमंत्री जी के लिए इतना किया है तो इतना तो बनता है कि गौतम अडानी की कमाई 2021 के आंकड़े बता रहा हूं, प्रतिदिन 1,002 करोड़ रुपए है, जबकि देश के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी की वर्तमान में प्रतिदिन आमदनी 163 करोड़ है। अंतर समझ लीजिएगा, मुकेश अंबानी की 163 करोड़, गौतम अडानी की मौजूदा समय में 1,002 करोड़। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए, गौतम अडानी की वर्तमान में संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए। मतलब एक टर्न और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाए, वो अपने मित्र को देश का सबसे बड़ा उद्योगपति पैसों के मामले में बना देंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस समय गौतम अडानी ऐसा नहीं कि उद्योगपति नहीं थे, लेकिन पूरे देश में 11वें नंबर पर आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कृपा से शायद 2 नंबर तक पहुँच गए हैं। ये बात मानने में किसी को गुरेज नहीं होगी कि उद्योगपति बिना लालच के अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं जताते। तो आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से इतना प्रेम जता रहे हैं तो कुछ तो हासिल जरूर हुआ होगा। अब आप सोचेंगे कि RSS मैंने बीच में कहाँ घुसेड़ दी, सबूत देता हूँ। पिछले साल RSS की स्थापना के मौके पर मुख्य अतिथि बनाए गए थे HCL कंपनी के प्रमुख शिव नादर, ये कोई अचानक की बात नहीं थी। अजीम प्रेमजी भी लगातार नागपुर पहुंचते देखे जा सकते हैं। टाटा ट्रस्ट ने नागपुर में कैंसर संस्थान को 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया कि ये ट्रस्ट जो है वो अंबाजी थट्टे नाम के व्यक्ति के नाम से बना हुआ है, और अंबाजी थट्टे वो व्यक्ति हैं जो गोलवरकर के निजी सचिव हुआ करते थे, यानी कि संघ से सीधा कनेक्शन है, तो 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। 2017 में देश के सार्वजनिक उपक्रम ONGC ने भी इस हॉस्पिटल को 100 करोड़ रुपए
दिए थे। राहुल बजाज भी नागपुर के मुख्यालय में कई बार जाते देखे गए हैं। शायद इन्हीं कनेक्शनों की वजह से मोदी सरकार ने, जब देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, कोरोना के समय में देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, नोटबंदी जैसे अजीब फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है, ऐसे समय में एक फैसला बीच में आया था कि कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% किया जा रहा है। इस अकेले एक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था पर 1.45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हर साल होना शुरू हुआ था, लेकिन कारोबारी मित्रों के लिए तो इतना बनता है। कारोबारी मित्रों के लिए किसानों को साइड में रखना एक बात है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री की तुलना सुहागरात पर पत्नी की बातचीत से करना मैं कतई उचित नहीं मानता। ये इस देश के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल और पद का पूरी तरीके से अपमान है। लेकिन सोचने की बात यह है कि राकेश झुनझुनवाला की इतनी हिम्मत पड़ कैसे गई। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पर कोई ना कोई एहसान वो चढ़ाए हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल से इतर उस तस्वीर को खिंचवाते भी हैं, वो तस्वीर बाहर भी आ जाती है, ट्विटर पर खुद से शान में कसीदे गढ़ते हैं, राकेश झुनझुनवाला को वन एंड ओनली बताते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, इसलिए क्योंकि अब आपकी सजगता ही इस देश के संवैधानिक ढांचे को और देश के सरकारी संस्थानों को बिकने से रोक सकती है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप देख सकते हैं।